बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जय हिंद। मैं ये कह रहा था चंद्रमुखी जी के आज रात हम डिनर के लिए चल रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं। कैंडल लाइट डिनर, जहां हम एक साथ साथ बैठकर डिनर करेंगे, एक साथ एक दूसरे को समझेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ या ना? मैं सब समझ रही हूँ सर। और हमारे पास यो डिनर बिनर कैंडल पिंडल का टाइम कतई ना है, ना मैं यहाँ काम करने आती हूँ सर। और आगे से आपने ऐसी कोई जो है पेशकश हमारे सामने रखी तो कमिश्नर साहब से कंप्लेंट कर दूंगी आपकी मैं। कंप्लेंट क्यों? अरे किसी को डिनर के लिए इनवाइट करना क्या गुनाह है? अगर ये गुनाह है चंद्रमुखी जी, तो हाँ हाँ मैं गुनहगार हूँ और मैं ऐसे गुनाह करता रहूंगा। देखिए आपका जो मूड है वो बहुत खराब है फिलहाल, आप आराम से सोचिए अबाउट दिस इनवाइट और फिर जवाब दीजिए। चलते हैं डिनर, कैंडल लाइट डिनर चाइनीज। अरे मैडम कर रही है मैडम आप? अरे मैडम ऑफर सर ने दिया, लपड़ मुझे मिल रहा है, ये क्या बात हुई? अरे दिमाग में कोई आइडिया ना आ रहे हैं ना इस साले से पीछा छुड़वाने का? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टंचाऊ पीछा छुड़ाऊ आइडिया आ रहा है। तो जिंदगी से पीछा छुड़वा दूंगी फिर देगा आइडिया? हाँ तो मैडम जरा दरवाजे के पीछे तो आइए। मैडम आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों ना हम सर को गुनाह के रास्ते पर ले जाएं, यानी कि सर से कोई गुनाह करवा दें ताकि वो सस्पेंड हो जाए। एक्सक्यूज मी, पर ये होगा कैसे? सुनिए मैडम, करना क्या होगा, मन नहीं हो बताओ कि भाई इस काम के लिए वो आदमी ना आदमी कहाँ से आएगा? उसका इंतजाम मैं करूंगा मैडम, ये काम करेगा मेरा दोस्त गोली। स्वीट क्यूट क्यूट तू क्यूट क्यूट क्यूट। अरे आजा आजा यार, कोई प्रॉब्लम हो तो तू मुझे बोल, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है यार। मैडम मैडम ये मेरा दोस्त गोली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। दिया इस साले को सब कुछ गोली चूस के। अबे वो कैसी भाषा में बात कर रहा है थारा दोस्त? अरे मैडम जब गोली किसी काम को ओके कहता है तो इसी तरीके से कहता है कि नहीं गोली? गोली चूस के। यार गुलगुले ये सरजी के सामने बोल तो लेगा ना यार। अरे सब कुछ समझा दिया है यार, गोली सब मैनेज करेगा, अरे कलाकार है वो। मैडम मैडम मैं कितना बड़ा खर्राट यानी कि क्रिमिनल था। हाँ हाँ मैं वो था जो गुनाहों के रास्ते पे निकल गया था। हाँ हाँ मैं वो था जिसने गुनाहों से दोस्ती कर ली थी। हाँ हाँ मैं वो था जो गुनाहों का देवता बन गया था। लेकिन आप हैं जो किसी को गुनाहों के रास्ते पे जाता देख नहीं सकते। आप ही हैं वो जिसने मुझ जैसे आदमी को गुनाहों के रास्ते पे पड़ा देख करके सही रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। गोली चूस। भाई मैंने जो करा है वो तुम्हारा फर्ज है भाई, इस काम के लिए तुम्हारा एहसान कतई ना मान। अरे क्यों ना माने मैडम, क्यों ना माने? हा? अरे मैडम आप वो हारमोनियम है जिसने इस बेसुरे को भी गवैया बना दिया। मैडम मैडम आपकी वजह से आज ये सही रास्ते पर आया है, आपने इसके लिए क्या क्या नहीं किया मैडम। हाँ जी जी मम्मी जी, आप इसके साथ कितनी बार पिकनिक पे गई, डिनर पे गई, कोई अम्मा हिल स्टेशन पे गई। हाँ हाँ और इन्हीं नजदीकियों की वजह से आपने मुझे सुधार दिया। गोली चूस के। नहीं मैंने आपके साथ कितना सारा वक्त बिताया और मुझे आपसे प्यार हो गया है। हे मैडम मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। गोली चूस के।
ओ ऐसा है भाई, प्रतिदिन जो है मैं कई गुनेगारों को रास्ते पे लाती हूँ, ना सही रास्ते पे, ना तो इस हिसाब से तो सबसे शादी कर लेनी चाहिए मन्ने, और इसका मतलब तो रोज हमारी एक शादी होगी। और बेटा ऐसा है, वैसे भी थारे में वो क्वालिटीज ना है जो मन्ने चाहिए अपने हस्बैंड में। अरे आपको क्या चाहिए, गोली चूस के? अबे तू हो रहा है एकदम ही मोटा तोंद वाला, काला सा एकदम जेल्ड बाल विलन लुकिंग आदमी। मन्ने चाहिए कोई एकदम ही प्लेजेंट फेस, क्यूट बेबी फेस, स्वीट चॉकलेट हीरो टाइप, ऋषि कपूर लुक लाइक, हमारे से हाइट में थोड़ा छोटा हो, मतलब जिसको मैं लुक डाउन अपॉन भी कर सकूं, और जो है बड़ा क्यूट सा रोली पोली नाइस होमली बॉय। ठीक है ना? ठीक है मैडम, हम ऐसे ना सही तो ना सही, लेकिन आपको कभी भी गोली की जरूरत पड़े तो याद कर लीजिए, गोली चूस के। गुड बॉय। I'm the king. Not bad, Goli, not bad. Get to work. Hey! किस सोच में डूबे हैं सर आप? सोच? मैं तो काम कर रहा हूँ। एक मिनट सर, मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश मत कीजिए सर, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। लेकिन सच तो ये है सर कि आपको सोच में नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं सर, प्रयास। मैं कब से इस प्रयास में लगा हुआ हूं सर कि आपकी सुई में मैडम के नाम का धागा पड़ जाए और आप अपने प्यार के फटे हुए पजामे को सी सके, लेकिन आप हैं कि हर वक्त बौड़मपंथी की बातें करते रहते हैं सर, बस यूं ही। सर मैंने देखा आपको, वो गोली आया था, वो सारी बातें आपने सुनी ना सर, वो गोली की सुनी ना सर आपने, बातें सुनी सर, मैंने देखा आपको बातें सुनते हुए। अभी भी वक्त है सर, जाग जाइए सर, ऐसा ना हो कि आपके नींद के घी में कोई और आकर मैडम के साथ शादी की कचौड़ी तल के चला जाए सर। और आपने अगर मेरी बातें नहीं सुनी ना सर, तो आपके हाथ में कचौड़ी तो दूर की बात है सर, पकौड़ी तक नहीं आएगी, पकौड़ी। नहीं नहीं गुलगुले मेरे दोस्त, मेरे यार, मुझे कचौड़ी चाहिए। मैं वो कचौड़ी किसी और को खाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, वो कचौड़ी मेरी है, मैं नहीं खाने दूंगा। बता 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 मुझे क्या करना होगा, बता मुझे क्या करना होगा। पहले तो 1000 रुपए देने होंगे। वो किस लिए? सर हम यहाँ पर शादी की बात कर रहे हैं, तो एक वो शगुन तो बनता है ना सर। ओ शगुन तो बनता ही है, तो बनता ही है, 1000 क्यों, 1000 रख लो। अब ये बताओ, वो रास्ता बताओ मुझे गुलगुले, जहां से मेरी बारात गुजरेगी। सर आप गुनाहों के रास्ते पर निकल जाइए सर। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, आस, यही एक आस है आपके पास सर। सर आपने खुद देखा है सर, अरे मैडम आपके साथ डिनर तो दूर की बात है, आपके साथ लस्सी पीने भी बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन जब कोई इंसान गुनाहों के रास्ते पर निकल जाता है, तब मैडम उस आदमी के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाती हैं, पिकनिक पर जाती हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर हिल स्टेशन तक जाती हैं सर। कुछ बात समझ रहे हैं सर आप? समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, एंड आई विल डू इट। अंकल, एक छाते के नीचे 8 लोग खड़े थे, लेकिन एक भी नहीं भीगा, कैसे? ये बकवास बातें मुझसे मत पूछा कर, अच्छा? तू बता दे भाई कैसे नहीं भीगे? बारिश ही नहीं हो रही थी। चल हट। मैडम जी बचाओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर, क्या असली हरकत कर रहे हो? आपको दिखा नहीं, मैं इस लड़की को छेड़ रहा था। मैं गुनाहों की रास्तों पर चल पड़ा हूं। मम्मी जी ये क्या, सर जी एक पुलिस वाले होके गुनाह के रास्ते पे चल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं गुनाहों का देवता हूँ, मैं गुनाहों का सिकंदर हूँ, या ये कहो कि मैं गुनाहों का शहंशाह हूँ। हाय सर, आप जो है इस गुनाह की राह पर कत्ता ही ना चल सकते। मैं जा चुका हूं। तो वापिस आ जाइए, अब आना बहुत मुश्किल है। सर यो राह सही ना है, और फूलों की राह पे चलने की मुझे कोई चाह भी नहीं है। एक मिनट मैडम प्लीज। हा? सर काय को जो है इतना जो है ब्लड बॉइल करवा रहे हैं, इतना ओवर एक्साइट हो रहे हैं?
सर ऐसा है, एक काम करिए, कूल डाउन सर, आज जो है हमारे संग आप जो है कैंडल लाइट डिनर पे चलिए, आराम से जो है हम शांति में बात करेंगे, मैं आपको जो दोनों रास्ते बुराई का और अच्छाई का ना दोनों रास्ते के बारे में डिटेल में समझाऊंगी, फिर जो आपका मन करे आप करिए, ओके? आई एम ओके, जब आप इतना जिद कर ही रही है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, इनकार कर सकता हूँ, ठीक है मैं आपके साथ कैंडल लाइट डिनर पर चलने के लिए तैयार हूँ, थैंक यू। हम वहाँ पर चाइनीज खाएंगे और थाई भी, हुई हुई। गुड 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 एक्टिंग भाई, फिल्मों में ट्राई करो कभी। तुम यहाँ? वो सर आप ही का इंतजार कर रहा था सर, कैसा रहा सर कैंडल लाइट डिनर? मत पूछो। नहीं नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। क्या बताऊँ मैं गुब्बारे, क्या बताऊँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो काम महीनों भर में नहीं कर पाया मैं, वो तुमने यूँ कर दिया। मैं चंद्रमुखी जी के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। सर ये तो कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, अब आगे देखते जाइए सर मैं क्या क्या करता हूँ। ओए लेकिन सुनो, तुमने कहा था कि चंद्रमुखी जी मुझे हिल स्टेशन पर ले जाएगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे? सर आप भी अजीब बातें करते हैं सर। सर आपने अभी गुनाह भी तो इतना छोटा सा ही किया है सर, अगर आपको मैडम के साथ हिल स्टेशन पर जाना है तो आपको बड़ा गुनाह करना पड़ेगा ना सर। बड़ा गुनाह मतलब? मतलब मान लीजिए सर, आपने तो देखा ही है कि हमारे शहर में कितने सारे ATM खुले हुए हैं। हाँ। सर आप एक काम कीजिए, आप जाकर एक ATM को लूट लीजिए सर। Nonsense! Bloody hell, लूट लो, मतलब मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं लूटूंगा ATM? पकड़ा गया तो? अरे सर कैसे पकड़े जाएंगे सर, अपने कोई मास्क वास्क पहन कर जाइएगा, अपने फेस पे कुछ कपड़ा लगा कर जाइएगा और जाकर ATM को लूट लीजिएगा, और सुबह वो ATM का सारा लूटा हुआ पैसा आप लेकर चौकी में आ जाइएगा और मैडम को दिखाइएगा, उनके सामने अपने गुनाह को कबूल कीजिएगा, उसके बाद रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ी हिल स्टेशन। लेकिन नहीं गुलगुले, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज गुड, ATM लूटना जरूरी है क्या? पांच स्टॉल लूट लेता हूं मैं। देखिए सर, अगर आप मैडम के दिन का चैन और रात की नींद लूटना चाहते हैं तो आपको ATM तो लूटना ही पड़ेगा सर। ATM, ओके आई विल डू इट, लूटूंगा मैं ATM, लूटूंगा मैं ATM, बन के दिखाऊंगा मैं गुनाहों का देवता। ATM लूटना है, तैयारी तैयारी तैयारी, आई विल सी यू, आई विल सी यू, ATM ATM ATM। बेटा तू जो है ना हमारे दहेज की पोटली सर पे रख के डांस करता हुआ आएगा तू। सुन भाई, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, ये कल सवेरे जब सर ATM से लूटे हुए पैसे लेके चौकी में आएंगे ना, ना ठीक उसी वक्त एंड मौके पे हम कमिश्नर साहब को बुलवा लेंगे और वो उन्होंने सस्पेंड कर देंगे, बेटा मजा आएगा। Sometimes I think I should have a son like you. Son? Yes. Come on, let's think about it. ये देखिए चंद्रमुख जी, ये देखिए क्या तीर मारा है मैंने। सर सर ये ओके है आपके इन बैग्स में आपका सामान? ये मेरे गुनाहों का सबूत है चंद्रमुखी जी। डिनर पे आपने मुझे जो कुछ भी समझाया था ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गचा कच बैंक का ATM मैंने लूट लिया है। यस, ओह माय गॉड, मम्मी जी सर जी तो गुनाह के रास्ते पर बहुत आगे तक निकल गए हैं। बहुत आगे निकल गया हूं मैं चंद्रमुखी जी, बहुत आगे निकल गया हूं मैं, गुनाहों का राजू बन गया हूं, मैं गुनाहों का बिट्टू बन गया हूं, और अगर सच कहूं तो मैं गुनाहों का बेताज बादशाह बन गया हूं। Yes, I've done it! अभी तो सिर्फ एक ATM लूटा है मैंने, आगे आगे देखिए क्या क्या करता हूं मैं इंटरनेशनल लुटेरा बन जाऊंगा, सबको बताऊंगा मैं, आपको भी। सर आप यहाँ कैसे? कैसे मैं यहाँ?
सर जैसे कि आपने देख लिया है कि इंस्पेक्टर राज आर्यन ने ना अपना इकबाल जुर्म कर लिया है कि इन्होंने एटीएम लूटा है सर। ना जाने कितने बेगुनाह मासूम लोगों की मेहनत की कमाई लूटी है सर इन्होंने। मम्मी जी ऐसे आदमी को पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है। सर वो मैं दरअसल एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, मुझे तुम पे नाज है। हैं सर एटीएम लूटने के लिए? नहीं 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 नहीं, बल्कि एटीएम के पैसों को लुटेरों से बचाने के लिए। क्या मतलब? वैसे इंस्पेक्टर आर्यन सर, वैसे आपने ये गचागच बैंक एटीएम कितने बजे लूटा? यही कुछ रात के 2 बजे हुए थे। करेक्ट, और वही रात को 2:30 बजे कुछ लुटेरों ने उस एटीएम पर हमला किया सिर्फ पैसे लूटने के लिए। लेकिन एटीएम पे पैसे ही नहीं थे, क्योंकि सब पैसे तो आपने निकाल लिए थे वहां से। हाँ, वो एक्चुअली उसे महफूज रखने के लिए मैंने निकाल लिए थे सर। वेरी गुड वेरी गुड, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये खबर पहले से मिल गई होगी। हाँ सर, मेरे कुछ इन्फॉर्मर्स है, खबरी है, जो मुझे इन्फॉर्म करते रहते हैं उन्होंने क्या। गुड गुड, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कीप इट अप। जय हिंद सर। सर आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। Shut up, you chumche. ओके सर। I'm the king. Hey. मोटे। Hey, hey. बता। बता तूने ऐसा क्यों किया? अरे सर वो मैडम के कहने पर। चंद्र मुखीजी? आपने ऐसा किया? आप चाहती थी कि मैं सस्पेंड हो जाऊं? सर ऐसा है नहीं, हो जो कमिश्नर साहब आपको घनी सबासी देकर गए हैं ना यहाँ खड़े खड़े। सर इनका जो है फोन आया था हमारे पास, हमारे से कह रहे थे कि भाई चंद्रमुखी ना मैं क्या देख रहा हूँ कि राज आर्यन तो जो है कोई केस सॉल्व भी कतई ना करते, ना इनकी तो घनी बुरी रिपोर्ट आ रही है, तो क्यों ना इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, ना मुफ्त की नौकरी जाए, मुफ्त की सैलरी ले रहे। तो मैंने कही सर प्लीज ना फॉर बिकॉज आई एम योर कुलीग्स, तो मैंने जो है ना ये सब चक्कर चलाया ताकि आपको यहाँ क्रेडिट मिले और आपकी जो है नौकरी बच जाए और आप हम पे ही जो है बिल फाड़ रहे। प्लीज सर प्लीज। देखो मुझे माफ कर दो चंद्रमुखी जी, आप सब मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा चंद्रमुखी जी, प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन ये बताइए चंद्रमुखी जी, वो हिल स्टेशन पे जाने का क्या है आपका विचार? सर हिल स्टेशन ना, मन ने तो है अपनी चौकी से ही घना प्यार।